इधर इधर इधर। तो एक बंगाली निकला, उसने हाथ फैलाया, कहा देखे कैसा तुम्हारा इधर है। तो इधर बेचने वाले ने उसके हाथ पे इधर लगाया तो बंगाली सूंघे के बजाय उसका चाटे ला। जब चाटिस तो कड़वा, तो मुंह बने इसका कहा तो तुम्हारी इधर खराब है, ले जाओ कड़वा रहे अच्छा नहीं। तो इधर बेचने वाला बेचारा अपना सर पीटने लगा, कहा हाय अल्लाह हम कहाँ चले आए, जो सूंघने की चीज है खाएगा तो कड़वाएगा नहीं तो और क्या होगा। तो इतर बेचे वाला नाराज हुआ और शीशी बक्से में रखी और वापस चल पड़ा कि यहाँ बेचेंगे ही नहीं। इतने में एक दूसरा बंगाली निकला, कहा भाई क्या बेच रहे, कहा कुछ नहीं। कहा नहीं कुछ तो लग रहा है, कहा नहीं आया था बेचने लेकिन बेचूंगा नहीं। क्या क्या हुआ, कहा जहाँ जिस चीज की कद्र न हो वहां उस चीज को बेचने से क्या फायदा। कहा क्या हुआ, कहा मैं इतर बेच रहा हूँ। एक आदमी निकला, कहा देखे तुम्हारा इतर कैसा है, तो उसके हाथ में मैंने इतर लगाया तो वो चाटने लगा और चाट के कहता तुम्हारा इतर कड़वा रहा है, ले जाओ खराब है। तो बंगाली कहा तू है बेवकूफ, हम का ला भात के साथ खाए वाली चीज का ऐसे खालिश चाटे तो कड़वे की तो ना कड़वे, हम का ला। तो इतर बेचे वाला और खोपड़ी पीटे ला, कहीं भात के साथ खाए वाली चीज ऐसे चाटे कड़वे ही नहीं। तो ऐसे ही लगता है हम लोगों को कितनी कुर्सियां खाली पड़ी है। एक कमेटी वालों ने इतनी तादाद में कुर्सियों को इसीलिए मंगाया, उम्मीद थी लोगों की कि लोग आएंगे। लेकिन लोग नहीं आए, बड़ा अफसोस है। बहरहाल आज आप एक मदार के करीब में हाजिर हैं। मदार पे हाजिरी दी जाए तो किस तरह दी जाए, दिल्ली में एक मदार है महबूबे इलाही की, जिनका नाम है निजामुद्दीन औलिया। उनकी मदार पे हजरत मौलाना अब्दुल मुस्तफा आजमी अलैहि रहमा तशरीफ ले गए तो खड़े हुए हाथ बांधा और फातिहा पढ़ रहे थे। और महबूबे इलाही के मदार के करीब मरकज है देवबंदियों का, तो वहां से एक मौलाना उतर पैजामा वाले आए, वो भी आए तो ऐसे हाथ छोड़े खड़े फातिहा पढ़ रहे थे। फातिहा कर रहे थे, क्या कर रहे थे अल्लाह बेहतर जाने। वो हाथ छोड़े खड़े थे, मौलाना अब्दुल मुस्तफा आजमी हाथ बांधे फातिहा पढ़ रहे थे। तो वो मरकज से आने वाला आदमी मौलाना साहब को देख देख के घूर रहा था और नाराज हो रहा था। हजरत समझ गए कि ये मुझे देखकर नाराज हो रहा है। इतने में हजरत ने फातिहा पढ़ी और जब फातिहा खत्म हो गई तो उससे कहा भाई तुम नाराज क्यों हो रहे हो। कहा मौलाना तुम शिर्क कर रहे हो, तुम शिर्क कर रहे हो, मैं नाराज ना हूं। क्या क्या शिर्क किया मैंने। कहा एक कब्र के सामने हाथ बांधे खड़े हो, नमाज की तरह हाथ बांधे खड़े हो, नमाज में खुदा के लिए हाथ बांधा जाता, तुमने बंदे के लिए हाथ बांध लिया, शिर्क किया, हाथ बांधे खड़े हो नमाज की तरह। तो मौलाना साहब ने उससे कहा कि अगर मैंने शिर्क किया है तो तूने भी तो शिर्क किया। कहा मैंने क्या किया। कहा तू हाथ छोड़े खड़ा है तो नमाज में भी तो हाथ छोड़कर खड़ा हुआ जाता है, तो नमाज की मुशाबियत तेरे में भी तो हो गई। अगर मैं हाथ बांध कर खड़ा हुआ नमाज की मुशाबियत पा ली गई, शिर्क हो गया, तो हाथ छोड़कर खड़ा होना भी तो मुशाबियत है नमाज की। कहा मौलाना नमाज में हाथ छोड़कर कहाँ खड़ा हुआ जाता है। तो हजरत ने फरमाया जब तुम रुकू से उठते हो और कौमा में जाते हो तो उस वक्त तुम्हारे हाथ छुटे रहते कि बंधे रहते हैं। अच्छा बताओ समी अल्लाहु लिमन हमीदा, जब कहकर खड़े होते हैं तो दोनों हाथ छुटे रहते कि बंधे रहते हैं, खुले रहते हैं ना, लटके रहते हैं। तो कौमा में
खुले रहते हैं नमाज में, कयाम में बंधे रहते हैं, तो हमने नमाज की मुशाबियत की शिर्क हो गया, तो तुमने भी नमाज की मुशाबियत की, हाथ छोड़कर खड़े हुए। कहा मौलाना तब कैसे खड़ा हुआ जाए, हाथ बांधना सिर्फ, हाथ छोड़ना सिर्फ। तो मौलाना ने कहा एक तरीका बचा है खड़े हुए। कहा क्या? कहा जब तुम कब्र पर आवा करो तो एक हाथ यहां रखा करो, एक हाथ कमर पर रखा करो। तो नाराज हो गया, कहा मौलाना क्या मुझसे मजाक कर रहे हो? कहा भाई यही सूरत बची, हाथ छोड़ना भी मुशाबियत, हाथ बांधना भी मुशाबियत। तो आजकल बहुत से लोग कब्र पे जाओ तो कहते हैं शिर्क है, कब्र पूजा कहते हैं सुन्नियों को, कहते कि नहीं कहते? लेकिन आओ हदीसे पाक सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्ने मसूद, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है। काला काला रसूलुल्लाह, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, كنت نهيتكم عن زيارة القبور। سبحان اللہ, اے میرے صحابہ میں تم کو قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا, قبروں پہ نہ جایا کرو, قبروں کی زیارت نہ کیا کرو, میں تم کو منع کرتا تھا, لیکن فزوروها, لیکن اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔ ماشاءاللہ, कब्रों पे जाया गया। पहले कब्र पे जाना मना था, क्यों? इस्लाम फैला नहीं था, लोग जानते नहीं थे, बुतों के सामने खड़े होते थे, खुदा समझकर बुतों की पूजा करते थे लोग। तो इस्लाम ने कब्रों के सामने खड़े होकर मना किया कि कहीं लोग ये न समझें कि इस्लाम के अंदर भी बुत परस्ती है। लेकिन जब इस्लाम फैल गया, अब लोगों के मसाइल मालूम हो गए लोगों को, तो अब कब्रों की जियारत किया करो, इसलिए कि वो शुभा खत्म हो गया। कब्रों पे जाएगा क्यों? लिअन्ना तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्र की जियारत तुमको मौत को याद दिलाती रहेगी। वली अन्ना तुज़हिदु फिद दुनिया, और इसलिए भी कब्रों पे जाया करो कि कब्र की जियारत तुमको दुनिया में परहेजगार बना देगी। जब कब्र देखोगे तो मौत याद आएगी। इसलिए कब्रों की जियारत का हुक्म है कि कब्रस्तान जाया करो। इसीलिए आला हजरत भी याद दिलाते फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, याद दिलाते आला हजरत कि हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, पांच जाते चार फेरते हैं, पांच जाते चार फेरते हैं। कब्र को याद करो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक दामाद जिनका नाम उस्मान गनी है, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु का दर्जा कितना बुलंद है। एक मर्तबा हुजूर अपने घर में लेटे थे, पिंडली खुली हुई थी, लुंगी ऊपर उठी थी, पिंडलियां खुली थी। हुजूर की बीबी हजरत आयशा कहते हैं कि मेरे अब्बा मिलने के लिए आए अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु, तो आए हुजूर से मिले, बातचीत करते रहे, हुजूर ऐसे लेटे रहे। थोड़ी देर बाद हजरत उमर फारूक आदम आए, तो भी सरकार ऐसे लेटे रहे, पिंडलियां खुली रही और हुजूर बातचीत करते रहे। थोड़ी देर बाद हजरत उस्मान गनी आए, तो हुजूर उठ के बैठ गए और फौरन पिंडलियों को छुपा लिया। हजरत आयशा कहती है, अल्लाह के रसूल, मेरे अब्बा अबू बकर आए तो आप ऐसे लेटे रहे, उमर आए तो आप ऐसे लेटे रहे,
और उस्मान आए तो उठ के बैठ गए, तो सरकार फरमाते हैं मैं उस्मान से हया क्यों ना करूं, उस्मान से तो जन्नत के फरिश्ते हया करते हैं, इतना बड़ा दर्जा उस्मान गनी का। लेकिन जब कब्र पे जाते थे, कब्र को देखते थे, तो इतना रोते थे, इतना रोते थे, हजरत उस्मान गनी ये हदीसों में है, तल्ला लहयतो हो, हजरत उस्मान गनी की दाढ़ी आंखों से आंसू से भीग जाती थी। लोगों ने पूछा उस्मान तस्कुरुल जन्नत वला तबकी, ऐ उस्मान जन्नत का बयान करते हो रोते नहीं हो, वह तस्कुरुन नार वला तबकी, और जहन्नम का बयान करते हो रोते नहीं हो, और कब्र देखते हो तो रोने लगते हो, इसकी वजह क्या है? तो हजरत उस्मान गनी ने फरमाया था कि लोगों सुनो, कब्र को देखकर इसलिए रोना पड़ता है कि मेरे नबी ने फरमाया है कब्र अव्वल मंजिल मिन मनाजिल आखिरा, कि कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर इस मंजिल से इंसान कामयाब हो गया तो आखिरत की सारी मंजिलें उसके लिए आसान हो जाएंगी। तो इसलिए मैं रोता हूं, मैं डरता हूं कब्र को देख करके, खुदा जाने इस कब्र से मुझे निजात मिले कि न मिले। सहाबा कब्र को देख कर रोया करते थे, इसीलिए हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु दुआ मांगा करते थे कि या अल्लाह तू मुझे इंसान न बनाता, दुनिया का कोई तिनका बना देता ताकि मैं हिसाब कब्र से बच जाता। कब्र बड़ी कठिन मंजिल है, लेकिन आज हम लोगों के दिल इतने सख्त हो गए हैं कि कब्रस्तान जाने के बाद भी मौत याद नहीं आती, वहां भी पंचायत, वहां भी राजनीति, बहुत सख्त दिल हो गए हम सब पे। एक बुढ़ा आदमी था, बूढ़ा बीमार हुआ तो लोग उसके बच्चे उसको घेर कर बैठे, अब्बाई बात अब्बाऊ बात। थोड़ी देर बाद बुढ़ोबा कहते भैया रे अभी हम बचपन न मर जाए, तो लड़के कहें तब अब्बा, तो बुढ़ोबा कहते भैया रे जो हम मर जाए तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा दियो नवा न दियो। लड़के कहें अब्बा यू कहाँ हो सकत है, गांव वाले कहा कही है, कहे देखो बाप जमीन जायदाद सब की सो बाप मरा तो कफन नहीं दे पे, पुरान कपड़ा कफन दी। तो बप्पो कहा थे गांव वाले चक्कर में पड़ के कहा हमका फसाए दे रहे तुम लोग, कहीं का है अब्बा, कहीं रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखियो ताकि कब्र में जब उनकर नकीर हिसाब ले आइए देखिए कफन पुरान, तो कहे तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होगा वही छोड़ो, तो छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कफन में लपेट के रखियो, जुड़ते जुड़ जाइए कि न जुटी है रे। ऐसे ऐसे दलाल बुढ़ोबा परे हैं कि जिंदगी भर तो दलाली करवे के ने मरे के बाद कब्रम सोचो था कि हूँ दलाली कह के निकल जाए, लेकिन यकीन जानो कब्र बड़ी कठिन मंजिल है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, जो आला हजरत बचपन से अल्हम्दुलिल्लाह वली, आला हजरत ने बहुत बचपने में रोजा रखा तो उनकी माँ बहुत खुश हुई, आला हजरत के अब्बा के पास गई, कहा आज अहमद रजा ने रोजा रखा है। माँ बाप बहुत खुश, आला हजरत के अब्बा ने कहा आज तो मैं पूरे बरेली के लोगों की दावत करूंगा इस खुशी में कि मेरा बच्चा जिंदगी में पहली मर्तबा रमजान का रोजा रख रहा है। आला हजरत के अब्बा ने पूरे बरेली में दावत बांट दी कि आज मेरा बेटा अहमद रजा रोजे से शाम को इफ्तारी में सब लोगों को शरीक होना है। दावत बढ़ गई बरेली में, जोहर की नमाज हुई, उसके बाद आला हजरत की हालत खराब, होंठ सूख गए, मुंह मुरझा गया। आला हजरत के अब्बा को अपनी औलाद पे तरस आया कि मेरा बेटा भी छोटा है इस तरह परेशान है, तो आला हजरत के अब्बा आला हजरत को गोदी में लिए और एक कमरे में गए और दरवाजा खिड़की सब बंद कर दिया
उसके बाद खीर थी, खीर एक प्याली ली। कहा बेटा देखो तुम रोजा से हो, तुम्हारा हलक सूख चुका, मुंह सूख गया है बेटा, और अभी इफ्तारी में काफी टाइम बाकी है, ये खीर है खा लो बेटा, दरवाजा बंद है ताकि कोई कोई देख भी नहीं रहा है, बेटा खा लो। तो आला हजरत ने बचपन में कहा था अब्बा रोजा मैंने किसके लिए रखा है, क्या रोजा मैंने बरेली वालों के लिए रखा है कि बरेली वाले ने देख पाए। अब्बा जिस खुदा के लिए मैंने रोजा रखा है वो खुदा तो बंद घर में भी देख रहा है। आला हजरत ने रोजा नहीं तोड़ा और शाम को बरेली के लोगों के साथ रोजा इफ्तार किया। ऐसे आला हजरत भी कब्र की मंजिल को याद कर अपने नबी की बारगाह में दुहाई देते हैं, फरमाते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर, खड़े मुनकर नकीर सर पर न कोई हामी न कोई आवर, बता दो आकर मेरे पयंबर के सख्त मुश्किल जवाब में। कब्रों पे जाएगा लेकिन ऐ मस्ती जोत के रहने वालों, आज आपने हजरत का उर्स कराया और उनके कब्र पे हाजिरी देते हो लेकिन अपने माँ बाप के कब्रों पे भी चले जाया करो, अपने माँ बाप के कब्रों की जियारत किया करो। आज हम अजमेर चले जाते, बगदाद चले जाते और माँ बाप की कब्र गांव के कब्रस्तान में होती लेकिन उस कब्र पे हमारी हाजिरी नहीं हो पाती। बुजुर्गों के कब्रों पे जाओ बेहतर है लेकिन अपने माँ बाप की कब्रों पे हाजिरी दिया करो। हदीस में है मंदारा कब्रा बुआ फी कुल्ले यौमी जुमा, जो हर जुमा के दिन माँ बाप की कब्र की जियारत करे, फ़ग़फ़िर लहु मा तक़द्दमा मिन ज़म्बिन व मा ताख़्खरा, तो उसकी वजह से उसके अगले पिछले गुनाह माफ हो जाएंगे। माँ बाप की कब्रों पे जाओ। एक रवायत में कि एक साहब ने मिन्नत मानी थी कि अल्लाह मुझे इस बीमारी से शिफा दे दे तो मैं खाने काबा की चौखट चूमूंगा। अल्लाह ताला ने शिफा दे दिया, जब ठीक हो गए तुम काबा दूर था, पैसे नहीं थे कि सवारी के जरिए काबा जाता, तो उसने हुजूर से मसला पूछा कि अल्लाह के रसूल मैंने मिन्नत मानी थी कि अगर मैं बीमारी से शिफा पा जाऊं तो काबा की चौखट चूमूंगा, हालात ऐसे नहीं है मक्का जा नहीं सकता, अल्लाह के रसूल अपनी कसम कैसे पूरी करूं। तो हुज़ूर ने फरमाया था तक़ब्बिल क़दमै उम्मिका, जाके घर में अपने माँ के दोनों कदमों को बोसा दे ले, गोया कि काबा के चौखट को तूने बोसा दे दिया, जा माँ के कदमों को चूम ले, गोया कि तूने काबा के चौखट को चूम लिया। उन्होंने अर्ज किया कि ऐ अल्लाह के रसूल मेरी माँ जिंदा नहीं है, माँ अगर आज होती तो माँ के कदमों को चूम लेता, लेकिन ऐ अल्लाह के रसूल माँ जिंदा नहीं है। तो सरकार ने फरमाया अगर माँ जिंदा नहीं है तो कब्बिल कब्रहा, जाकर के माँ की कब्र को चूम ले, अल्लाह ताला तेरी मिन्नत पूरी फरमा देगा। जा माँ की कब्र चूम ले, गोया कि तूने काबा की चौखट को चूम लिया। अर्ज करते अल्लाह के रसूल बहुत बचपन था तभी मेरी माँ का इंतकाल हुआ, मुझे पता नहीं है कि मेरी माँ की कब्र कौन है। तो हुज़ूर ने फरमाया जिस कब्रस्तान में तेरी माँ दफन हो उस कब्रस्तान में जा और वहां की जिस पुरानी कब्र के बारे में तेरा इरादा जम जाए कि यही मेरी माँ की कब्र है उसी को चूम ले तो तेरी मिन्नत पूरी हो जाएगी। अल्लाह के रसूल मुझे ये भी पता नहीं कि मेरी माँ किस कब्रस्तान में दफन है।
तो हुजूर ने फरमाया अपना घर चला जा, वक्त खत्तन फी बैतिका, और अपने घर में जा करके एक लकीर खींच ले और उसी लकीर को अपनी माँ की कब्र मान कर चूम ले, अल्लाह ताला तेरी मिन्नत पूरी फरमा देगा। ऐ लोगो, माँ बाप का वो दर्जा है कि माँ बाप की कब्र को बोसा दे दो तो गोया कि काबा की चौखट को चूम रहे हो। माँ बाप के कदम को चूम लो, उनके पैरों को चूम लो। इसीलिए लिखा है कि तीन लोगों के हाथ को चूमना सवाब है। नंबर एक पर माँ बाप है, माँ बाप के हाथ को चूमना सवाब है। लेकिन आज लोग माँ बाप से सलाम कहाँ करते हैं, मौलाना साहब से करिए, पीर साहब के हाथ चूमिए, अब्बा अम्मा के न चूमिए, सलामे न करिए, चूमे तो छोड़ गए। बहुत से कहा कि घर में सलाम किया कर, अरे मौलाना साहब शर्म लागत है, घर में सलाम कर शर्म लागत। एक साहब एक जलसे में बैठे थे तो एक हदीस शरीफ सुनाई, عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا لن تدخلوا الجنه, اے میرے صحابہ ہرگز ہرگز تم جنت میں داخل نہیں ہوگے, حتا تؤمنوا, یہاں تک کہ ایمان والے ہو جاؤ, वलन तुमिनू हत्ता तहाबो, और हरगिज हरगिज तुम ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक के आपस में मोहब्बत नहीं करोगे, जब तक आपस में मिलजुल के नहीं रहोगे तुम्हारा ईमान पक्का नहीं होगा। फिर सरकार ने फरमाया अवला अदुल्लुकुम अला शैई, ऐ मेरे सहाबा क्या मैं ऐसी चीज न बता दूं, इदा फालतुमुहु, कि जब तुम लोग उस चीज को करो तहाब अब तुम तुम्हारे दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाए, क्या ऐसी चीज बता दूं। कालू बला, सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल बता दीजिए, तो सरकार फरमाते इफ्सौ सलाम बैनकुम, आपस में मिला करो तो सलाम कर दिया करो, जहां मिलो सलाम करो, इंशाल्लाह मोहब्बत पैदा होगी, दिल से हसद कीना निकल जाएगा। मौलाना साहब ये तकरीर कर रहे थे, जलसा में थे लोग बहुत से, एक आदमी सुनिस तो सोची यार मौलाना कहा दे सलाम करो मोहब्बत पैदा हुई, हमारा हमरे मेहरुआ के बनत नहीं है, आए दिन झगड़ा लाग रहा था, तो हम मौला मेहरुआ सलाम करे ताकि हमारो के दिली मोहब्बत पैदा हुई जाए। तो तकरीर सुन के गए घरे, अब हुआ गए तो कबू सलाम की ही नहीं रहे, तब दरवाजे ठाट कैसे सलाम करे, हिम्मत पड़े नहीं जल्दी, लेकिन अब करना था। देखिए भाई, आपके कुरान करीम की एक आयत मैंने पढ़ी है, जल्दी जल्दी सुन लो, चूंकि आप लोगों में अफरा तफरी का माहौल है और लोग इसीलिए शायद नहीं आए हैं कि कल तो जागे ही नहीं आए, तो आज क्या करें, हुआ जी जागे बोलो, इसलिए भी नहीं आए हैं। लेकिन याद रखो, चार दिन की जिंदगी अल्लाह ने दिया है, तुम्हें कामयाबी मिलेगी कैसे। अल्लाह कुरान में फरमाता मन युतिल्लाह व रसूला, जिसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की फरमा बरदारी की, फकत फाज़ा फौज़ा अज़ीमा, तो यकीनन वो बहुत बड़ा कामयाब हो गया। अल्लाह रसूल की इताअत, अल्लाह के साथ रसूल को मिलाया, अल्लाह उसके रसूल की। आज अगर हमसे कोई पूछे कि रफीक मस्ती जो जाओगे, हाँ अल्लाह और उसके रसूल चाहेंगे तो जाऊंगा, तो लोग कहते हैं तुमने शिर्क की बोली बोल दी। वहाबी कहते हैं अल्लाह चाहेगा जाऊंगा, रसूल को क्यों मिला दिया। लेकिन अल्लाह के साथ रसूल को मिला के बोली बोलना ये हमारी बोली नहीं है, बल्कि कुरान की बोली है। एक जगह अल्लाह फरमाता है अग्नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फदलिही, अल्लाह और उसके रसूल ने उनको अपने फजल से माला माल कर दिया।
अल्लाह और उसके रसूल। तो रसूल अगर मजबूर होते तो सहाबा को मालदार कैसे करते, बेनियाज कैसे करते। अग्नाहुमुल्लाह रसूलुहुम मिन फद्लिही, गनी कर दिया, बेनियाज कर दिया, मालदार कर दिया उनको अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने। तो अगर रसूल मजबूर होते तो दूसरे को गनी कैसे करते। इसीलिए अबू हुरैरा सहाबी ने भी नबी करीम से मांगा था, तो ऐसा माला माल हुए कि जिंदगी भर खैरात करते रहे माशाल्लाह। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इसीलिए फरमाते हैं कि मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, और सरकार में नला है ना हाजत वगर की है। अल्लाह रसूल की जिसने फरमाबरदारी की वही कामयाब। तो मैंने बता रहा था कि तीन लोगों के हाथ को चूमना सवाब है। नंबर एक पर माँ बाप के हाथ को चूमना, दूसरे नंबर पर दीनी उस्ताद अपना पढ़ाने वाला। दीनी उस्ताद में मौलाना साहब भी आ गए जो पढ़ाते हैं, और पीर साहब भी आ गए, क्योंकि पीर भी उस्ताद होता है, अच्छी बातों की तलकीन करता है। और तीसरे नंबर पर हाकिम इस्लाम, हाकिम इस्लाम के हाथ को चूमना सवाब है। तो ऐ लोगों, माँ बाप की कब्रों पे भी जाया करो। बुजुर्गों की कब्रों पे जाते हो तो माँ बाप की कब्रों पे भी जाया करो, और जिंदा रहें तो माँ बाप की खिदमत करो। जिंदगी में कबू ना दियो कुछ, भूखन मारो, लतियाओ तक मर जाए तो के बाद कब्र पर जाओ फातिहा पढ़ो, तो वो फातिहा भी गड़बड़ ही है। जिंदगी में पहले उनको खुश करो। आज हम माँ बाप का हक अदा नहीं कर पाते, कोई नहीं अदा कर पाएगा। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता वखफिद लहुमा जनाहज़ुल मिनर रहमा, ऐ मेरे बंदो माँ बाप के सामने जाया करो तो दोनों बाजुओं को रहम दिली से झुका लिया करो, झुका लो। तादीम है तादीम कि अब्बा अम्मा आ जाए तो ऐसे कर लो। वकुर रब्बी रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और ऐ मेरे बंदे तो हमसे दुआ कर के रब मेरे माँ बाप पर तू वैसे रहम फरमा जैसे दोनों बचपन में मेरे ऊपर रहम किया करते थे। दुआ भी करो माँ बाप के लिए, उनकी ताजीम भी करो। लेकिन देखा जाता है कि लड़का अगर प्रधान होएगा तो पब्लिक गई है प्रधान जी के दी बैठे और अब्बा से बेचारे से पानी ढोवा, अब्बा गिलास में पानी ले आओ, अब्बा चाय ले आओ। लड़का मौलाना साहब होगा तो मौलाना से मिले वाले आए हैं तो अब्बा से मौलाना साहब पानी ढुलवा रहे हैं। ऐ लोगो, माँ बाप की तादीम करो। जिसने माँ बाप की तादीम की उसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की, और जिसने इताअत की वही सबसे बड़ा कामयाब है। इस पुरफतन दौर में आज हम और आप दीन से कितना हट रहे हैं। ऐ लोगो, आज आलिमों से लोग दूर हो रहे हैं, इसीलिए दीन से दूर हो रहे हैं। आलिमों से करीब हो। कुरान करीम की आयत नाजिल हुई जब मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम, मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, वलाकिन रसूलल्लाह लेकिन अल्लाह के रसूल है, वखातमन नबीयीन और आखिरी नबी हैं। जब यह आयत करीमा नाज़िल हुई तो सहाबे किराम ने पूछा अल्लाह के रसूल आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। कहा नहीं नहीं, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा।
तो सहाबा की आंखों में आंसू आ गए, कहते अल्लाह के रसूल, अगर किताब के बाद कोई नबी नहीं आएगा तो हम लोगों को दीन कौन सिखाएगा। तो हुज़ूर फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के उलमा तुमको मेरे बाद दीन सिखाते रहेंगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जो मेरी उम्मत के उलमा हैं यही मेरे नाइब हैं, इन्हीं से तुम्हें दीन मिलना है। जी हक हक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन यकीन जानो, आज देखो स्टेज पर कोई आले रसूल आ जाए और आलिम आ जाए तो आले रसूल की तादीम होती है, नायब रसूल की तादीम नहीं करते लोग। देखो सोचो, अगर कोई सैयद है, अगर वो आले रसूल है तो आलिम नायब रसूल। सरकार ने फरमाया है जहां कुरान करीम में सैयदों की फजीलत आई है उसी कुरान हकीम में आलिमों की भी फजीलत आई है। सुभान अल्लाह, वही कुरान है। अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, अल्लाह फरमाता है दर्जे वाले वही हैं जो इल्म वाले हैं। सुभान अल्लाह। एक जगह ला यस्तवी हल यस्तवी अल्लज़ीना यालमूना वल्लज़ीना ला यालमून, क्या पढ़े और अनपढ़ दोनों बराबर हो सकते हैं? तो जिस कुरान में आले रसूल की फजीलत है उसी कुरान में नाइबे रसूल की भी फजीलत है। इसलिए लोगों, आलिमों की इज्जत करो, आलिमों से करीब रहो तो दीन की दावत तुम्हें आलिमों ही से मिलेगी, किसी मंत्री से तुमको दीन नहीं मिलेगा। और जब आलिम से करीब रहोगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका दिल नर्म रहेगा, आपके दिल में खौफ खुदा पैदा होगा। लेकिन आज हमारी जमात में मौलवियों का ही मेर होते, मौलवी तो भी बहुत मेर होते। एक मौलवी रहे तो अपने घर में परे रहे, पढ़ावे उढ़ावे नहीं है, तो जो उनको चराय खर्च हो गया लड़का भूखा मरे लागे। मौलवी घर में कत्ती दौलत होते, बड़े से बड़े आदमी कमाप छोड़ दे तो क्या घर के दौलत चली गई। मौलवी पढ़ावे नहीं जाए, पलंग पर पड़े रहे, लड़का भूखन मरे लागे, तो मौलवी कहीं ना रहे तो घरे लेटे हो, लड़का भूखन मरे तेरे चले जाओ पढ़ाओ उड़ाओ। तो मौलवी कहते चुप 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 चुप, तो मौलवी चुप हो गई, लेकिन पेट कहाँ चला जाए। दूसरे दिन फिर मौलवी कहते चले जा रहे लग वास्ते चले जाओ पढ़ाओ रे, तो गैरत खत्म हो गया, लड़का भूखन में रहते तो पलंग पर लेटे चले जा। तो मौलवी कहते तू हम कह रहे जाना थे, हम थूक से रुपया पैदा करे थे। कहीं हाँ हाँ हाँ, अत्यंत बड़े तेरे कमती कमाल वाले होते तो लड़का भूखन मरते रे, चले जा रे, उठे गिरा चले जा घर छोड़ दे कहो पढ़ाओ लिखा। मौलवी नहीं मेर कहे लागे तो मौलवी के ठेस लाग, तो मौलवी घर से बाहर निकल गए, चले गए एक शहर में। यहाँ बहुत बड़ी मस्जिद देखे, बहु के मुहारे में बैठ के रोवे लागे। वो मस्जिद हुए शिया लोगन के, शिया लोग जब आए नमाज पढ़े तो देख ली रोवे, तो पूछिन कहे रो तो कहें हम बहुत गरीब आदमी भूखन मरी थे, हमका मस्जिद में रख ली थी झाड़ू दी, सिर्फ हमका खाना चाहिए बाकी कुछ ना चाहिए। शिवे कहें यार ये तो बहुत सस्ता आदमी है, रख लो। रख ली मौलवी झाड़ू दे लागे, खाना पावे लागे। हफ्ता दो हफ्ता गुजरा, फिर मौलवी एक दिन दरवाजे बैठ रो, अब नमाजी आए देखें कहें यार अब कहे रो तो कहें हम पढ़े नहीं हैं, हम इसलिए रो रहे हैं कि आज हम भी पढ़े होते तो हमारी भी इज्जत होती। तो शिया कहें रोत कहे यार नहीं पढ़े हो तो पढ़ लो, कायदा ले आओ इमाम साहब से पढ़ लो। तो मौलवी कायदा ले गए, कायदा ले के आए इमाम साहब से शुरू की। इमाम साहब ने बिस्मिल्लाह करके शुरू कराया, अलिफ बे ते से पढ़ते चले गए। जाल पर जब नंबर आया तो इमाम साहब जाल कहलवा रहे थे और मौलवी जाल कह रहे थे। वो कहाँ जाल, मौलवी कहाँ जाल, जाल नहीं निकाली मौलवी तो सबक दिन रुक गया। दूसरे दिन फिर जब मामला बैठा तो फिर उसी जाल पर मामला रुका, उस जाल कहाँ नहीं इमाम साहब आगे बढ़ाए नहीं, उसी पर सबक रुका रहा। अनपढ़ का पढ़ाई लिखा, पढ़ा लिखा कोई ना पढ़ाई, वो जान बूझ के नहीं कहे। यहाँ तक कि एक दिन गुजरा, दो दिन गुजरा, हफ्ता गुजर गया और जाल ही पर नंबर रुका रहा। धीरे धीरे पूरे शहर में बात फैल गई,
कि फला मस्जिद के जो खादिम है झाड़ू दे वाला, बड़ा घामड़ है वो, 15 दिन हो गया जाल नहीं कही पैदाइश तक, बदनाम हो गया पूरे शहर में मुल्क में। उसके बाद एक दिन जैसे इमाम साहब फजर की नमाज पढ़े और सलाम फेरी, वैसे मौलवी खड़े हुए कहें, ए साहेब आज कोई जाएगा नहीं, सब लोग रुको, आज मैं हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की शहादत बयान करूंगा। आप सीवे सुनी तो कहें, हाँ 15 दिन होगा जाल नहीं कही पैसे, तो क्यों तकरीर कैसे सुने, तो जौन शिया कभू नहीं सुनत रहा उन्हों बैठ गए, लेकिन देखी बोलत का है आगे। लेकिन वो मौलवी पहले से मौलवी मौलाना रहवे करे खड़े हुए, जो उन्होंने तकरीर किया इमाम हुसैन की शहादत बयान की, ऐसी दर्दनाक शहादत बयान की कि सारे शिया भो भो रोए लगे। है भी उनकी शहादत ऐसे, आज 1400 साल हो गए हम लोग किताब पढ़ते हैं तो आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। शिया रोए लगे, जब रोए के छुपाने तब शिवे कहते हैं, आए हो 15 दिन हो गया तुम जाल नहीं कह पाए, आवाज अचानक करते बड़े मौलाना कैसे हुई गए। तो शिवे तो मौलवी कहते हैं, तुम्हें कुछ पता है, आज रात जब मैं लेटा तो 1000 मरतबा मैंने कहा या अली या अली या अली या अली, कहा फिर, कहा जब 1000 मरतबा मैंने या अली या अली या अली कहा तो हजरत अली तशरीफ ले आए। शिवे कहते हाँ हमारे लोगन जिंदगी गुजर गए अली अली कहा कहा तो नहीं आए, तो आज कहे आज आत्मा आएगी कई समय नसीब के बाद। लेकिन फिर कब कहा, उन्होंने पूछा किस लिए बुलाया, मैंने कहा मैं पढ़ना चाहता हूँ, इल्म नहीं है मेरे पास। हजरत अली ने फरमाया मुंह खोल, मैंने मुंह खोला तो मेरे मुंह में हजरत अली ने थूक दिया, जैसे हजरत अली का थूक मेरे पेट के अंदर पहुंचा मेरा सीना इल्म से भर गया, मैं बहुत बड़ा मौलाना बन गया। तुम तकरीर चाहो सुन लो, तुम मसला चाहो पूछ लो, और पहले से रहबे करे मौलवी मौलाना। तो शिवे कही ना हमारे लोग जिंदगी गुजर गए आली आली कहा कहा तो नहीं आए, और तू आजे कहे आ जाया तेरे मुंह में थूक क्यों दी, कहीं हमरे नसीब की बात। तो शिवे कहते भाई हम आपका हाथ जोड़ते हैं, जिंदगी गुजर गई अली कहते कहते अली नहीं आए तो उनका थूक हमें कैसे मिलेगा, लिहाजा भाई आपका एहसान है कि आपके मुंह में अली ने थूका है तो तुम हम लोगों के मुंह में थूक दो, कम से कम तुम्हारे वसीले असीली का थूक तो हम लोगों को मिल जाएगा। मौलवी कहते हाँ अति मेहनत के बाद उनके थूक पावे तो कैसे थूक दे वे कहीं तब। तो मौलवी कहते एक मुंह में थूका 100 रुपया ले वे। शिवे कहते यार अली का थूक मिले कहा, यार तुम 100 की बात करते हो भाई, एक शिया 100 के नोट दिस मुंह खोलिस तो के मुंह में थूकिन मौलवी, फिर दूसर का शिवा बड़ा बहु 100 के नोट दी बहु मुंह में थूकिन, बस शियों की लाइन लग गई, 100-100 रुपया डारे चले जाए मौलवी थुक्कत चले जाए, थुक्कत 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 पूरे बाजार के सीएन के मुंह में थुक्किन मौलवी, और रुपया ढेर लग गया। जब मर थुका चुके तो मेहरुए चलते ही उन्हों तो बहुत शौकीन हो था, उन्हों आया मुंह बावे लागे उन्हों के मुंह में थुक्के लाग मौलवी, अल्लाह जाने के थूक कहाँ से निकलत रहा भाई, इसे का अखा थू और 100 रुपया पावत रहे। सारे सीओ की औरतों की मुंह में थुक्का मौलवी, और जब सब थुकाए थुकाए चले गए रात बढ़ गए मौलवी के कमरम ढेर लग गए रुपया के, तब मौलवी सोचिन की यार हम इनसे कहा है कि हमरे मुंह माली थुक्की ने तो मत्ते बड़े मौलाना बन गए हैं, अई हमसे थुकाए न जान पहिए न सवेरे तो पोल तो खुलेंगी, बराते में यह मौलवी रुपया के गठरा बांधे न भागे, भागत 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 घरे पहुंचे दरवाजा खड़बड़े तो मौलवी कहते को आए रे, कहीं मौलवी हुई रे दरवाजा खोल। जब मौलवी दरवाजा खोले तो मौलवी उठाए के गठरा पटके, तो मौलवी कहते का भल्ला है रे माई का हो, कहीं रुपया हो और का हो। जब मौलवी खोली तो देखी रुपये रुपया, तो कहते हाय कहाँ चोराए लाए रे इतना रुपया रे, कि घर से उठाए लाए रे। मौलवी कहते चोरी न हो रे धूप के कमाई हो रे। मौलवी कह सही बता रहे कहाँ चोराए लाए है। मौलवी कहते तू न मन है रे, ये धूप के कमाई हो रे, ले चल काबा में ठड़िया दे रे कसम खाए ले रे। जब मौलवी काबा में कसम खाए तैयार भी तो मौलवी मान गई, तो मौलवी वही दिन से हस पैर दबावे मौलवी के, सोचे हाँ हमरे मौलवी के
भूख में जब इतना असर है तो ये खून में कितना असर है। तो ऐसे ऐसे मौलवी हमरे जमात में, लेकिन नए लोगों, हर तरीके के लोगों में दो लोग हैं, आलिमों में भी कुछ आलिम हक हैं, कुछ आलिम सू हैं। जो बुरे आलिम हैं उनसे बचो। अब बुरे आलिम कौन हैं? जो नमाजों की पाबंदी न करें, झूठ बोलें, उनकी उठक बैठक गलत हो, रोजी का जरिया भी गलत हो, तो समझ जाओ आलिम सू हैं, बुरे आलिम हैं, उनसे बचना जरूरी है। अगर कोई आलिम खैर है तो उससे करीब रहोगे तो इंशाअल्लाह दीन भी मिलेगा, दुनिया भी मिलेगा। इसलिए आलिमों से करीब रहो, नमाजों की पाबंदी करो। अल्लाह ताला हमको तुमको अमले खैर की तौफीक अता फरमाए। तो आज हजरत के उर्स में आने वालों, देखो उर्स करना मुस्तहब है, ना करो तो कोई गुनाह नहीं है। इतना पैसा खर्च किया, ना करते तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन किया है तो सवाब पाओगे। लेकिन नमाज का पढ़ना फर्ज है। हम मस्जिद देखिया है, लागत है कि नानमून कोई सल्लाह के जगह बनाए है। इतना बड़ा गांव, ये गांव में कई मस्जिद है, एक अब बताओ, इतना बड़ा गांव, उस मस्जिद में नमाजी कैसे आते होंगे? लागत है सल्लाह के घर हो, मस्जिद न हो। मस्जिद बड़ी बनाओ, एक हो तो दो बनाओ, नमाजें पढ़ो। नमाज पढ़ना फर्ज ऐन है, कभी माफ नहीं। उर्स नहीं करोगे तो गुनहगार नहीं होगे, कब्र में नहीं पूछा जाएगा। अगर नमाज छोड़ोगे तो कब्र में भी सवाल होगा, हश्र में भी सवाल होगा। इसलिए कि नमाज पढ़ना ईमान और कुफ्र की निशानी बताया गया हदीस पाक में। तरकुस सलात, हदीस पाक में बैनल कुफ्र वल ईमान तरकुस सलात, ईमान और कुफ्र के दरमियान में फर्क करने वाली नमाज है कि जो नमाज पढ़ता है मोमिन है, जो नमाज छोड़ता उसने कुफ्र किया। नमाज छोड़ने वाला कुफ्र करता है। इसलिए लोगों, नमाजें पढ़ो, चेहरे पे दाढ़ी रखा लो। आज याली आली कहते हो, हजरत अली के चेहरे पे ऐसी दाढ़ी थी कि हजरत अली की दाढ़ी ही को देखकर लोग ईमान ले आए। कई लोग अली की दाढ़ी देखकर ईमान कबूल किए और आज हम मुसलमान होकर के दाढ़ी बनवा रहे हैं। दाढ़ी भी कब्र में रोशनी का सहारा है, दाढ़ी शायरे इस्लाम है। रसूलुल्लाह ने किसी और से नहीं फरमाया था, मुसलमानों ही से फरमाया था, कुस्तुस सवारी मोछों को कतरवा डालो, वाफुल लोहा और दाढ़ी को बढ़ा लो। अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने मुसलमानों ही से कहा था। इसलिए लोगों, उर्स भी करो, नमाजें पढ़ो कि नमाज फर्ज है, चेहरे पे दाढ़ी रखा लो, सुन्नत मौकदा है, वाजिब के मंजिल में दाढ़ी रखाना, इसको हल्का ना समझो। और हराम हलाल में फर्क करो। अगर हराम हलाल में फर्क न किया तो ना हमारी तकरीर आपके दिल में असर करेगी, न किसी की बात असर होगी। इसलिए कि बहुत पहले मैं कानपुर गया था एक जलसे में, तो जैसे तकरीर खुतबा पढ़ा वैसे एक पत्रकार खड़े हो गए। उन्होंने कहा, मौलाना एक बात बताओ फिर तकरीर करो। हमने कहा बताओ। कहीं आज से 40 साल पहले मदरसे कम थे, जलसे कम होते थे, आलिम भी कम थे, तब बुराइयां इतनी नहीं थी। और अब मदरसे बहुत हो गए, मौलाना भी बहुत पैदा हो गए, जलसे भी खूब होते हैं, और बुराइयां घट नहीं रही, बुराइयां बढ़ती ही चली जा रही हैं। इसकी वजह बता दो फिर तकरीर करो। तुमने कहा हम क्या बताएं? इसकी वजह मेरे नबी ने बहुत पहले बता दिया है। हदीस पाक में अनानासिन काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अनस रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, याती अलन्नास ज़मानुन, लोगों पर एक जमाना ऐसा आएगा, ला युबालिल मरो, इंसान सोचेगा नहीं, मा खज़ा मिनू, जिस चीज को हाथ में पकड़ेगा, जिस चीज को हाथ में लेगा उसके बारे में सोचेगा नहीं, अमिनल हलाली अमिनल हराम,
कि जो मैंने लिया ये हराम है कि हलाल है। हराम हलाल नहीं सोचेगा, जब ऐसा जमाना आ जाएगा तो लोगों के दिलों से खौफे खुदा निकल जाएगा, नूर ईमान चला जाएगा, अजान होती रहेगी, मस्जिदें सूनी पड़ी रहेंगी। इसलिए हलाल रोजी खाने की कोशिश करो और जैसी रोजी मांगोगे वैसे मिलेगा। चोर चोरी करना के खाना चाहता है तो चोरी से उसे रोजी मिलती है। एक भिखारी भीख मांग के खाना चाहता है तो भीख के जरिए रोजी मिलती है। और एक आदमी मेहनत करके हलाल रोजी खाना चाहता है तो अल्लाह ताला उसे रिश्ते हलाल अता फरमाता है। तो इरादे अच्छे करो, मदद अल्लाह की होगी। अल्लाह ताला हम सबका भला फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।